नेशनल खबर सब पर नजर। नमस्कार, नेशनल खबर का खास हेल्थ प्रोग्राम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। आजकल घुटनों का दर्द आम सी बात हो गई है। घुटने बदलवाने से कैसे बचें, इस सवाल का जवाब हर इंसान ढूंढ रहा है जो घुटने की बीमारी से परेशान है, घुटने के दर्द से परेशान है। तो इस पर विस्तार से जानकारी के लिए और आपको इस बड़ी कठिन परिस्थिति से बचाने के लिए हम ये इंटरव्यू आपके लिए लेकर आए हैं। तो इससे विस्तार से जानने के लिए नेशनल खबर की टीम डॉक्टर बिस्मरूप रॉय चौधरी जी के ऑफिस पहुंची और वहां हमारी संवाददाता माही झवर ने डॉक्टर बीआरसी से बातचीत की। तो क्या रही ये पूरी बातचीत और क्या है रिपोर्ट, ये आप आज देखेंगे। तो पहला सवाल ही ये आता है कि आखिर जॉइंट पेन क्यों होता है, और इसका जवाब खुद डॉक्टर बीआरसी ने दिया। तो आप खुद ही सुने डॉक्टर बीआरसी की जुबानी। तो घाव जहाँ पे भी होगा, चाहे बाहर हो स्किन में या अंदर हो, वहाँ दर्द ही होगा। और जॉइंट में क्यों घाव ज़्यादा होने के चांसेस है, क्योंकि जॉइंट है जो जॉइंट समझ रहे हैं ना, हाँ, तो वो ज़्यादा वहाँ पे हिलता डुलता रहता है, हड्डियाँ जुड़ती हैं, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा घाव होने के चांसेस। तो घाव होते हैं। अब अगले सवाल आ जाएगा आपका, घाव क्यों होता है ऑटोमेटिकली। ये सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए, कुछ तरह के ऐसे फूड है, जो भी कुछ आप खाते हैं वो अल्टीमेटली ब्लड वेसल में ट्रेवल करती है। देर आर सर्टन काइंड ऑफ फूड जो ब्लड वेसल में जो ट्रेवल करती है तो वो उसको घाव देते हुए जाती है। फॉर एग्जांपल, ये बात समझ लीजिए, ये हमारे रोड हैं पूरे देश भर के। इस रोड में अगर आर्मी के जो टैंक होते हैं, टैंक समझते हैं जी, जो बॉम्ब छोड़ते हैं, वो टैंक अगर यहाँ चलने लगे तो टैंकों के निशान आ जाएंगे सड़कों पे, आ जाएगा ना रोड पे, क्योंकि रोड इज़ नॉट डिज़ाइन कीपिंग इन माइंड कि कभी इस पे टैंक चलेगा। रोड इज़ डिज़ाइन कि इसमें टायर वाले कुछ गाड़ियाँ चलेंगी, ना कि कोई लोहे वाली गाड़ियाँ चलेंगी। ठीक उसी तरह से हमारे बॉडी इज़ डिज़ाइन कि एक पर्टिकुलर ढंग तरह का फूड ही हम ले रहे होंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ और लेते हैं जो कि बॉडी जिसके लिए डिज़ाइन नहीं है, तो वो घाव छोड़ जाती है कहीं 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 कहीं। जहाँ पे ज़्यादा जॉइंट मूवमेंट है वहाँ घाव जल्दी होता है और बाकी जगह भी होता है। दैट इन्फ्लेमेशन इज़ कॉल्ड जॉइंट पेन। तो ये जो दर्द होता है ये मैक्सिमम सर्दियों में होता है? हाँ, सर्दियों में कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। देखिए, सर्दी में दो चार चीज़ें आप नोटिस कीजिए। अब अगला सवाल आता है कि जॉइंट पेन क्या सर्दियों में ज़्यादा होता है। इसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि हाँ, ये दर्द सर्दियों में ज़्यादा होता है। अब आप पूछेंगे कि क्यों होता है, तो इसका जवाब खुद डॉक्टर बीआरसी ने दिया है। इसके लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो। सर्दियों में हमारी बॉडी का एवरेज ब्लड शुगर 10-20% बढ़ जाता है, यानी कि आपके ब्लड में शुगर का जो कंटेंट है आपके मेरे सबका 20% बढ़ जाएगा। तो जिनका ऑलरेडी बढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, उनका थोड़ा और बढ़ जाएगा। जब शुगर की मात्रा एक लेवल से ज़्यादा होगी तो वो इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करने की कोशिश करेगी, इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होने लगेगा, और दैट इज़ द रीज़न वाई कि जो सर्दी में ज़्यादा प्रोन होते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ पेन्स। अगर हम पहले की बात करें तो पहले ये समस्याएं सिर्फ बुजुर्गों में देखने को मिलती थी, लेकिन आज ये प्रॉब्लम यंग जनरेशन में भी काफ़ी देखने को मिल रही है। तो क्या रीज़न है इसका? इसका जवाब देते हुए डॉक्टर ने कहा कि इस प्रॉब्लम का अब उम्र से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम अब हमारे खान पान से है। वहीं जो इसका आखिरी उपाय माना जाता है वो माना जाता है नी रिप्लेसमेंट। तो इसे लेकर डॉक्टर बीआरसी ने क्या कहा, चलिए हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी किसी भी सूरत में नी रिप्लेसमेंट के लिए हाँ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट देखने में लगेगा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जिस तरह गाड़ी में कोई ख़राबी आ जाती है उसके पार्ट हम बदलवा लेते हैं क्योंकि वो पार्ट कंपनियां बनाती हैं, लेकिन इंसान के बॉडी पार्ट्स बनाने की कोई कंपनी नहीं है। हो सकता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद 5-6 महीने तक तो आपको बहुत अच्छा लगे, लेकिन इसके बाद आपकी जो कंडीशन है वो तेज़ी से ख़राब होगी। पहले वो व्यक्ति थोड़ा बहुत चल पाता होगा, बाद में वो भी नहीं चल पाएगा। अब सवाल आता है कि क्या ऐसा करें जिसके बाद हमें नी रिप्लेसमेंट कराना ना पड़े। इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा, ये आपकी स्क्रीन पर। 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 कि 12 बजे तक आपको सिर्फ फल खाना है पेट भर के। कितना? लगभग आपके बॉडी वेट इंटू 10। मेरा बॉडी वेट 70 kg × 10, दैट बिकम 700, मेक इट अ ग्राम। 700 ग्राम फल खाना है पेट भर के, 3-4 तरह के। वो केला भी हो सकता है, अंगूर भी हो सकता है, पपीता भी हो सकता है, कोई भी फल।
डायबिटीज़ है तब भी मीठे फल खाने, याद रखिए डायबिटीज़ मीठे फल से बढ़ता नहीं, ठीक होता है। स्टेप टू, लंच और डिनर में जब भी बैठेंगे तो दो प्लेट लेके बैठेंगे। प्लेट वन जिसमें कच्ची सब्जियां खाना है, सलाद जैसे बोलेंगे टमाटर खीरा मूली गाजर ककड़ी, सर्दियों में तो बाई चांस ये सब ज़्यादा आती हैं, राइट। और कितना आपका बॉडी वेट इंटू फाइव, माई बॉडी वेट 70 kg × 5 दैट बिकम 350, मेक इट ग्राम 350 ग्राम, इतना ज़रूर खाना है। अब आप कुक्ड फूड खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल, लंच में भी डिनर में भी, यह दूसरा नियम। फाइनल स्टेप, दो तरह की चीज़ें छोड़ दीजिए। एक वो चीज़ वो जो जानवरों से निकलती हो, अंडा है, फिश है, चिकन है, मटन है, या फिर डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी इज एनिमल फूड कमिंग आउट ऑफ एनिमल। दूसरी चीज़ जो फैक्ट्री से बाहर आती हो, ब्रेड है, बिस्किट है, नमकीन वगैरह, ये छोड़ दीजिए। धूप में ज़रूर बैठिए रोज, और धूप में बैठते वक्त अपने घुटने को धूप में दिखाइए, राइट। और साथ में एलोवेरा का जेल लीजिए, दुकान वाला नहीं, आप पौधे से एलोवेरा काटिए, डायरेक्ट निकाल के पत्ते से काट के स्क्वीज कीजिए, एक चम्मच क्रीम की तरह लगा लिया, धूप में आधे घंटे बैठ गया, ये जो धूप पड़ रहा है बाहर से, एलोवेरा जो है उस धूप को सोखने में मदद करेगा, और अंदर से जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो मेडिसिन की तरह काम करेगा। ऐसा अगर आपने 3 महीने किया लगातार, 3 महीने बिना किसी चीटिंग के, तो आप, मैं बता सकता हूँ कि जितना अभी आपका डिस्कम्फर्ट है ऑन एवरेज 70% डिस्कम्फर्ट कम हो सकता है। ये धूप सुबह वाली, एनी टाइम, दोपहर वाली लीजिए, सुबह वाली लीजिए, हर टाइम का धूप अच्छा ही होता है, देयर इज नथिंग कॉल्ड बैड सनलाइट। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई सवाल है या आपकी और भी कोई ऐसा सवाल है जो हमसे छूट गया हो और आपको पूछना हो, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपके उस सवाल को हम डॉक्टर ब्यासी के पास ज़रूर पहुंचाएंगे और साथ ही साथ उसका जवाब भी आप तक पहुंचाएंगे। तो कैसा लगा ये इंटरव्यू हमें बताना ना भूलिएगा, और चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। नेशनल खबर, सब पर नजर।